नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रामर से बात थी। और सर मैं मारू, अब सर मैं भरा भरमार। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट राहुल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही, बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों, लोग IITian बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड हैं ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी समझते हैं। यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद जीसस, महावीर, बुद्धा, कृष्ण, नॉट एट ऑल। They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेंद्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा, सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा, सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए? लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? कायलो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक है। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी हूं, ना छू। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था रामकथा के लिए और यहां पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट।
ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि सालों से ये कैंपेनिंग चल रही थी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं, जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका काम है वो अकॉर्डेंस में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडाफोड़ कर चुके हैं। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। श्याम मानव कहते हैं कि ये उनके मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसी चीजें शुरू कर दी थी, तब उनका इन्होंने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करी और FIR भी लिखी गई। जिस कार्यक्रम से वो नागपुर आई थी उस कार्यक्रम को छोड़ के उन्हें भागना भी पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला बड़ा केस था इनका, और शकुंतला के चमत्कार और उनकी भविष्यवाणी सब बंद हो गई इसके बाद। एक और बड़ा केस था इनका फॉरेन मिशनरीज को लेकर। ये बताते हैं कि कैसे 5 मिशनरी नागपुर आए हुए थे। एक ऐसी सभा करते हैं वो, जहां पर अंधे को दिखने लग जाता है, बहरे को सुनने लग जाता है, ऐसे चमत्कारों का दावा करते हैं। उस वक्त इन्होंने 1986 के ड्रग्स और रेमेडीज एक्ट का इस्तेमाल किया अपनी फाइट करने के लिए। उस कानून के तहत इन्होंने इन 5 मिशनरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करी और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 विदेशी मिशनरियों को अरेस्ट किया गया। तो अपनी अभी की कहानी पर वापस आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज है और इसे वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये नागपुर में 7th और 8th January को होगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है, मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया, 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में एक्चुअली में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है, ये कहते हुए कि इन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी हैं कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये, और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है, क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि ये इवेंट 13th January तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11th January को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए ये निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो श्याम मानव का पुतला जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को डेथ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो हमने किया था वो तुम्हारे साथ भी करेंगे, अनदर नरेंद्र दाभोलकर। फॉर्चुनेटली तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दे दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के डिफेंस में उसका कजन लोकेश गर्ग आता है, जो कहता है कि उसे भी डेथ थ्रेट्स मिले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो, बागेश्वर धाम को भी सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन चैलेंज का क्या? धीरेन्द्र अपने रिस्पांस में कहता है कि वो भागा नहीं, राम कथा जो थी वो 11th January तक ही चलनी थी, और अगर श्याम मानव को चैलेंज देना है तो वो रायपुर में आकर चैलेंज दे दे। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा वहां आइए। श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं इसका रिस्पांस देते हुए। वो कहते हैं दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है।
इसके पीछे दो कारण है। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर एक। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में बाबा के प्रोग्राम में गए थे, तो बाबा के और होम मिनिस्टर जी के बड़े अच्छे रिलेशन है पहले से। तो नागपुर में अगर चैलेंज किया जाता है, ना ही बाबा की साइड से ना ही श्याम मानव की साइड से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। क्या लगता है आपको दोस्तों? देखो, मुझे तो लगता है कि धीरेंद्र बाबा को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा जैसे इंसान को छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नागपुर हो, रायपुर हो, क्या फर्क पड़ रहा है। बागेश्वर बाबा के हजारों फॉलोअर्स इस इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि श्याम मानव कैसे अपना माथा बाबा के चरणों में टेकेंगे। इसी बीच दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर घिसटती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। इन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतरण रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उन्हें रोक दे। ऐसा कोई भी जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाए, तभी हम उसे एक चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ और सजेशंस धीरेंद्र के लिए। मुझे लगता है इन्हें रॉ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अलग अलग देशों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करने में बहुत मदद मिलेगी। ये पुलिस की मदद कर सकते हैं चोर डकैतियों को पकड़ने में। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिले, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, किस बात का इंतजार है? हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है? इन बाबा को जल्दी से लाया जाए, इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए, इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में। लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जेम्स रैंडी दुनिया के मोस्ट फेमस मजिशियंस में से हैं। धीरेंद्र की छोटी मोटी ट्रिक्स कुछ भी नहीं है जेम्स रैंडी के सामने। लेकिन फर्क ये है कि जेम्स अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और धीरेंद्र अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और एक कल्ट फॉर्म करने के लिए। जेम्स रैंडी ने एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना करी साइंटिफिक टेम्परमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसमें उन्होंने अपना एक $1 million पैरानॉर्मल चैलेंज निकाला। चैलेंज बड़ा सिंपल था, दुनिया में कोई भी इंसान जेम्स रैंडी को प्रूफ दिखा दे सुपर नेचुरल चीजों का, पैरानॉर्मल चीजों का, ये भूत प्रेत जैसी चीजें, और उस इंसान को $1 million का इनाम मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को नहीं कर पाया है। इस चीज को डिटेल में मैंने भूतों वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, गोश्त के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजर्स और चमत्कारी बाबाओं से बड़े आकर्षित होते रहते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा से सोने की चेन निकाल देता है, कोई बाबा पानी का पेट्रोल बना देता है। सुपरस्टिशन तो चलो फिर भी कुछ हद तक एक हार्मलेस चीज हुई या सेल्फ हार्मिंग चीज हुई, लेकिन बहुत से बाबाओं को पाया गया है कि कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कमाल की बात यह है कि ऐसे ही ढोंगी बाबाओं का अक्सर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर आता है। इस चीज को वैसे इस ऑडियो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है, बाबाज एंड इंडियन पॉलिटिक्स। ये आपको कुकू एफएम पर मिलेगी। यहां पर आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि अभी हमने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क रीच किया है, तो कुकू एफएम एक बम्पर ऑफर लाया है आप लोगों के लिए। कूपन कोड है ध्रुव 10M, और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो कुकू एफएम का पहले महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ ₹1 में मिलेगा। सही सुना आपने, लेकिन ये ऑफर सिर्फ इस वीडियो के लिए ही है और सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए ही है। तो अगर आप अभी तक उन लोगों में से थे जिन्होंने कुकू एफएम को ट्राई आउट नहीं किया था, तो ये सबसे अच्छा मौका है। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कीजिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2017 में जो हिंदू साधुस की सबसे टॉप बॉडी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी करी थी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहें, ये साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, आसाराम, राधेमा, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई। इसके अलावा कई और बाबा हैं जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं, नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में ज्यादा देखी जा रही। मुस्लिम फेक बाबाज भी आपको देखने को मिलेंगे, शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। दीनू मोहम्मद एक तांत्रिक,
सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबाज भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया उसका कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो अक्सर आप अपने कन्फेशंस बताते हो वहां मौजूद प्रीस्ट को। तो जो औरत ने बताया इसे उसको उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर दिया, फिर इस औरत का एडवांटेज लिया इन्होंने। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो अपने आप को बताते हैं कि ये कितने मिरेकुलस क्योर्स करने लग रहे हैं। एक बजिंदर सिंह जिसके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बताता है, इविल स्पिरिट्स को हटाता है और लोगों की जो डिसेबिलिटीज है उन्हें क्योर कर देता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। देखो लड़का, आँख पकड़, इसका चल 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 शाबाश, चल चल चल, कैमरामैन जूम करो जूम। लिरिक्स देखे अपने वीडियो के, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, मतलब किस टाइप के लिरिक्स हुए ये। इन फर्जी क्रिश्चियन बाबाओं पर एक फिल्म भी बनाई गई है, ट्रांस, जिसे डायरेक्ट किया था अनवर रशीद ने। बड़ी मास्टरपीस फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखना। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। एक और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कहता है कि पानी को गुस्से से देखा और वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। एक वीडियो में कहा कि मरने के बाद 11 दिन के बाद तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को IITs में भी इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी से ही देखकर आप समझ सकते हो कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परमेंट की कितनी कमी है। एक सवाल यहां ये उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। इलिटरेसी को एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीजन इसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर एजुकेटेड लोग जो अच्छी नौकरियां करने लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। इसलिए दूसरा कारण बताया जा सकता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा कारण है फेथ। फेथ का मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सलूशन नहीं मिल रहा है उन्हें। आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज्यादातर डेवलप्ड देशों में। लेकिन इंडिया में ये कल्चर इतना फैला नहीं है अभी, लोगों के पास कोई होता नहीं जिसके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा सकें और इसलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह मैजिक और सुहानी शाह भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं, लोगों के माइंड रीड करना। लेकिन फर्क ये है, ये एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं, ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर दे देंगे। इस चीज की डिटेल में बात मैंने करण सिंह के साथ जो वीडियो बनाया था उसमें करी थी, आप खुद जाकर देख सकते हैं एग्जैक्टली कैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है माइंड रीड करने के लिए। करण सिंह ने मेरा भी माइंड रीड किया था और सही में कमाल की टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। अच्छा, यहां पर ये भी कहना जरूरी है कि जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है इनहेरेंटली उसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं उन्हें जिंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने जमाने में बहुत होता था और तब कोई फीस चार्ज नहीं करी जाती थी, ये एक सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फकीर, इतिहास में हमने कई ऐसे लोग देखे, आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिड्डू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने को, ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सच जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।